उज्जैन तराना पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। उज्जैन पुलिस कप्तान सतेंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में और ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के आदेश अनुसार और एसडीओपी राजाराम अवासिया के मार्गदर्शन में तराना थाना प्रभारी संजय मंडलोई ने अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया। उसी दौरान एक आरोपी बिना नंबर की गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी थाना प्रभारी संजय मंडलोई द्वारा अपनी टीम के साथ मौजूद मौके पर पकड़कर पूछताछ की। पता चला गाड़ी चोरी की है। थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की तो एक आरोपी का नाम लेकर मोटरसाइकिल बरामद कर तराना पुलिस ने सफलता हासिल की है। सर, तराना पुलिस को मिली है एक अच्छी सफलता, वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, क्या है घटनास्थल? जैसा कि त्योहारों के समय पुलिस काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, जगह जगह पॉइंट लगा करके वाहन चेकिंग भी की जा रही है। उसी तारतम्य में आज तराना पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल नई बेचने के लिए किसी नियत स्थान पर खड़ा है और जो मोटरसाइकिल चोरी के होने की संभावना, जिस पर से थाना प्रभारी तराना एसडीओपी तराना उनकी टीम के द्वारा बड़ी हिकमत अमली से काम करते हुए उस व्यक्ति की घेराबंदी की गई और उसे कस्टडी में लेकर के पूछताछ किया गया। साथ ही उस मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ किया गया तो उसके पास उसके कागज़ नहीं होना पाए गए और वो मोटरसाइकिल उसने चोरी की होना स्वीकार किया। तत्काल उसको कस्टडी में लेकर के और गंभीरता से पूछताछ की गई तो उसने उस मोटरसाइकिल के साथ साथ में तीन और बुलेट मोटरसाइकिल और दो हीरो होंडा मोटरसाइकिल, कुल चार बुलेट और दो हीरो होंडा, कुल छः मोटरसाइकिल, कीमत लगभग सभी की 7 लाख रुपए हैं, जो कि इंदौर और उज्जैन देवास के कई स्थानों से चुराई गई है और वो किसी को बेचने की फिराक में वहां पर खड़ा था। और भी कोई खुलासा होने की संभावना है? अब इसमें दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और शीघ्र ही उन्हें न्यायालय पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड लेने के बाद और बारीकी से पूछताछ की जाएगी। तो